नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर मैथ्यूज आउट हो गए और वो गेंद थी नो बॉल। जी हाँ, नो बॉल पर रविंद्र जडेजा ने विकेट ले लिया और एम्पायर ने उसे आउट भी दे दिया। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट के आज पांचवें दिन दोनों ही टीमें जीत की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन भारतीय टीम आज जीत को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर सभी क्रिकेट फैंस दंग रह गए। जी हाँ, रविंद्र जडेजा की एक नो बॉल पर मैथ्यूज को आउट दे दिया गया और जब रिप्ले में ये देखा गया कि ये नो बॉल थी, तब तक मैथ्यूज बाहर हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि जब कोई खिलाड़ी पिच से बाहर हो जाता है तो फिर उसे आउट दे दिया जाता है। अगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर रहता है और उससे पहले नो बॉल चेक कर ली जाती है तो उसे वापस बुला लिया जाता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी बाउंड्री लाइन को पार कर देता है और उसके बाद नो बॉल का पता चलता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। साथ ही आपको ये बता दें कि जब रिप्ले में ये देखा गया कि यह नो बॉल थी, तब सभी खिलाड़ी हंस पड़े और एम्पायर काफ़ी शर्मिंदा हुए। वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी काफ़ी गुस्से में नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये क्लियर नो बॉल थी। साथ ही रविंद्र जडेजा ने एक और नो बॉल पर चंडीमल का भी स्टंप उखाड़ दिया था, लेकिन एम्पायर ने उसे रिव्यू के लिए भेज दिया और एम्पायर ने बाद में उसे नो बॉल करार दे दिया और जिसके बाद चंडीमल बच गए। लंच तक श्रीलंका ने अच्छी वापसी करते हुए मात्र एक ही विकेट गंवाया है, वो भी नो बॉल पर आउट हुए थे। हालांकि आउट तो आउट ही होता है चाहे वो कैसे भी हो। अब श्रीलंका लंच तक 119 रन बना चुका है और उसके चार विकेट आउट हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दो सेशनों में भारतीय टीम कैसे वापसी करती है। अगर आपको भी सर रविंद्र जडेजा का यह तरीका पसंद आया हो, जो कि उन्होंने नो बॉल पर भी विकेट निकाल लिया, तो इस वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें।